हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के ग्राम रेंदड़ी में तहसीलदार दीपक साकला द्वारा हुई मृत्यु भोज पर कठोर कार्यवाही। तहसीलदार दीपक साकला ने रेवेन्यू टीम के साथ पहुंचे मौके पर। सुबह से प्राप्त हो रही थी भीड़ इकट्ठा होने की सूचना। पूर्व में किया गया पाबंद, बावजूद इसके उनके परिजनों द्वारा किया गया मृत्यु भोज आयोजित। इसके बावजूद 500 से अधिक व्यक्तियों हेतु बनाए 5 पकवान। अलग अलग बाड़ों में, घरों में, हॉल में चल रहा था भोजन। बूढ़े बुजुर्ग, स्त्री बच्चे सब शामिल। समाज के मौजूद लोगों की मौजूदगी में हो रहा था मृत्यु भोज। तहसील की गाड़ी देख दौड़ते नजर आए लोग। औरतें घरों में, छतों पर पशुओं के चारा, घर व बाथरूम में जा छुपी। सबको एक एक कर निकाल बाहर किया गया। हलवाई व उसकी टीम मौके से भाग छुटी। भोजन किया गया सील व सोजत तक परिवहन का जरूरतमंदों में किया गया वितरित। वहीं मृतक के पुत्र 31,000 का विभिन्न श्रेणियों में काटा गया चालान। ग्राम रेंदड़ी तहसील सोजत के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम जीवाराम है, उसकी मृत्यु कोविड के दौरान हो गई थी और कोविड से मृत्यु होने के बाद रेवेन्यू टीम और पुलिस के द्वारा उसमें पाबंदी किया गया था। इसके बावजूद उन लोगों ने 500 से अधिक लोगों का खाना तैयार किया वहाँ पे और उस मृत्यु भोज के दौरान उनके समाज के पंच और मौजूद आदमी वहाँ मौजूद थे। बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ मौजूद थी। अलग अलग बाड़ों में और घरों में लोग छुपे हुए थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मृत्यु भोज के मामले में कुल मिला के 31,000 का इनका चालान काटा गया है और सभी को पाबंद किया गया है कि किसी भी सूरत में अन्य किसी स्थान पर इस तरह का आयोजन ये लोग नहीं करेंगे। सोजत से जागरूक टीवी के लिए बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।